Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you're watching Russell Chatter. तो गाइस WWE के आने वाले पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज को होने में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन फैंस अभी से इस पेपर व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि काफ़ी बड़े मैचेस पहले से ही सर्वाइवर सीरीज के इस इवेंट के लिए बुक हो चुके हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूनिवर्सल चैंपियन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंड WWE चैंपियन मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के मैच के बारे में। जहाँ इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस मैच में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, इसके अलावा हम बात करेंगे जॉन सिना के इस मैच में रोल की। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, तो उनके बारे में बताने की ज़्यादा जरूरत कुछ है नहीं क्योंकि सभी जानते हैं वो कितने खतरनाक रेसलर हैं। उन्होंने बड़े से बड़े सुपरस्टार को रौंद के रखा हुआ है, जहां पर शामिल है उन्होंने जब अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ा था। इसके अलावा गोल्डबर्ग से जल्दी हारने के बाद उन्होंने रेसलमेनिया में जाकर उनका बदला ले लिया था। तो बहुत ही खतरनाक रेसलर है, बहुत कम ही हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कोई दूसरा सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर को रौंद दे। दूसरी तरफ बात करें मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल की, जो है फिलहाल WWE चैंपियन, तो काफ़ी फैंस उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि सिंह ब्रदर्स की मदद से उन्होंने काफ़ी सारे मैचेस जीते हैं। तो अब ऐसे में फैंस के दिमाग में भी एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन सामने निकल के आ रहा है कि क्या ब्रॉक लेसनर फिर से और सुपरस्टार की तरह जिंदर महल को भी रौंद देंगे या फिर जिंदर महल कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो पहले किसी सुपरस्टार ने नहीं किया। तो अब बात करते हैं इस मैच की पॉसिबिलिटी की कि हमें क्या क्या चीज़ें इस मैच में देखने को मिल सकती हैं। ब्रॉक लेसनर का एक तरफा हमला, अपने पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे ब्रॉक लेसनर के ऐसे मैच देखे हैं जहां ब्रॉक लेसनर ने अपने ओपोनेंट सुपरस्टार को बुरी तरह से रौंद दिया है। तो अगर इस मैच में भी अगर ब्रॉक लेसनर जिंदर महल को एक तरफा रौंद जाते हैं तो फैंस इसमें बिल्कुल भी शॉक नहीं होंगे क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी मैचेस में ब्रॉक लेसनर ऐसे कारनामे कर चुके हैं। जिंदर महल शॉक द वर्ल्ड, तो वो मैच तो आपको बिल्कुल सही तरह से याद ही होगा जहाँ से अभी से ठीक एक साल पहले गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को सर्वाइवर सीरीज में ही बहुत बुरी तरह से धूल चटाई थी और काफ़ी कम टाइम में ही ब्रॉक लेसनर को स्पीयर और अपना फिनिशर जैक हैमर लगाकर उन्हें पिन करके एक बहुत ही तगड़ा झटका दिया था पूरे WWE यूनिवर्स को। फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग से इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे, तो क्या पता जिंदर महल भी वो कारनामा कर दें। हालांकि हम जिंदर महल से ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गोल्डबर्ग की तरह करेंगे, लेकिन अगर जिंदर महल किसी भी तरह से चाहे सिंह ब्रदर की हेल्प से अगर ब्रॉक लेसनर को हराने में कामयाब हो जाते तो मेरे हिसाब से ये जिंदर महल की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। पॉल हेमन टर्न ऑन द बीस्ट, तो पॉल हेमन को हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं ब्रॉक लेसनर के साथ, उनकी ज़्यादातर चीज़ें वो हैंडल करते हैं, जहाँ पर भी कुछ बोलने की बारी आती है तो माइक स्किल्स उनकी काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी तरीके से वो प्रोमोस को देते हैं। ब्रॉक लेसनर को माइक पर कम ही बोलते हुए देखते हैं, तो उसका सारा जिम्मा उठा रखा है पॉल हेमन ने। तो पॉल हेमन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रॉक लेसनर के इस WWE करियर में। तो कितनी शॉकिंग बात होगी अगर पॉल हेमन अपने ही क्लाइंट ब्रॉक लेसनर पर हमला कर दें, क्योंकि इससे पहले भी WWE की स्टोरी लाइन में हमें काफ़ी बार देख चुके हैं कि मैनेजर खुद ही अपने क्लाइंट पर हमला कर देते हैं। इससे पहले पॉल हेमन भी ये काम कर चुके हैं जब उन्होंने अपने ही क्लाइंट CM Punk पर हमला कर दिया था। तो अगर पॉल हेमन इस बार भी ऐसा करते हैं तो ये एक तरीका हो सकता है जिंदर महल को जीत दिलाने का। जॉन सीना एज गेस्ट रेफरी, तो जैसे कि मैंने आपको चैनल पर अपडेट दी थी कि ब्रॉक लेसनर और जिंदर महल के इस मैच में जॉन सीना एज ए गेस्ट रेफरी फीचर हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जॉन सीना एक बहुत ही बड़े रेसलर हैं और 101% अगर जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज में फीचर हो जाते हैं तो वो रेटिंग्स और इनकम दोनों ही मामलों में उछाल दिला सकती है। तो WWE चाहेगी कि क्यों ना जॉन सीना को इस मैच में ऐड कर दिया जाए और इस मैच में एक और तड़का डाल दिया जाए, जहां अगर जॉन सीना की फ्यूड जिंदर महल के साथ शुरू हो जाती है तो उसकी भी एक बुनियाद रख दी जाएगी कि जॉन सीना बन सकते हैं 17-time WWE चैंपियन। तो सारी पॉसिबिलिटी को अगर हम दिमाग में रख भी लें तो भी यहाँ पर फेवरेट्स ब्रॉक लेसनर ही हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर बहुत ही खतरनाक रेसलर हैं और सभी फैंस यही ब्रॉक लेसनर से उम्मीद लगा रहे हैं कि जिंदर महल को ब्रॉक लेसनर कुचल कर रख देंगे। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब इन दोनों के बीच मैच खत्म हो जाएगा और रिंग से जीतकर कौन बाहर निकलेगा। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा और जो भी रेसलर जीतेगा वो किस तरीके से जीतेगा। क्या आपको भी ये लगता है कि ब्रॉक लेसनर एक तरफा जिंदर महल को हरा देंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की WWE अपडेट्स, न्यूज़ और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।